ने तो साफ साफ कह दिया कि अगर काले सवारे तक 10 लाख रुपए नहीं मिले तो वो लोग मेरी बच्ची को। उर्मी शांत शांत। एंजी अब क्या करें हम? आप लोग घबराइए मत, मुझे कुछ सोचने दीजिए। अभी है हाँ सर, मुझे जल्दी से इन्फॉर्म कीजिए। ओके थैंक यू सर। हेलो मॉम। अहम दिख रहा। अब तो यकीन हो गया ना गोपी वहू को कि राशि का ये झूठा अपहरण का नाटक किया है। मॉम मेरी बात सुनिए, राशि सच में किडनैप हो गई है। क्या जी? और किडनैपर का फोन भी आया था, उन्होंने 10 लाख रुपए मांगे तभी वो राशि को छोड़ेंगे। 10 लाख रुपए? जैसे भी हो हमें राशि को छुड़ाना है। अच्छा मॉम मैं रखता हूँ, मुझे सोचने दीजिए कि करना क्या। तेरे घर वाले जो ना एकदम फालतू है, उनसे पैसा मांगो तो कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है। भाई इनके पास पैसा ही नहीं है तो उसका करेंगे क्या? बिल्कुल ठीक पूछ रहा तूने, क्या करेंगे, क्या करेंगे इसका? मार डालेंगे और क्या करेंगे इसको? अगर पैसा नहीं मिला तो इसको रख के यहाँ पे क्या करेंगे? आप भाई साहब आप ये सारे गहने रख लो, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे जान से मत मारो, ये आप सब रख लो। अब मैंने जो था सब कुछ दे दिया तो मुझे छोड़ दो प्लीज। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे, ये तो टोकन है टोकन, पूरा पैसा तो तेरे घर वालों से ले लेंगे तब छोड़ देंगे तुझे। कोई तो मेरी बच्ची को वापस ले आओ, मेरी बच्ची को बचा लो। पता नहीं वो बदमाश मेरी बच्ची के साथ क्या क्या कर रहे होंगे। पता है मऊ भीख लागे, रक्षा करो मेरी बच्ची की ठाकुर जी। अहम जी कुछ हुआ? आप लोग घबराइए मत, मैंने पुलिस ऑफिसर से बात कर ली है, वो जल्दी कुछ करेंगे। मम्मी से शांत हो जाइए आप, ये मत राशि भी मिल जाएगी। पर कैसे, उन लोगों ने तो कह दिया कि अगर पैसा नहीं मिला तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। सच में ये सोचने वाली बात है। उर्मिला बेन, आपकी झूठी बातें और आपके बुरे कर्म आप पर ही उल्टे पड़ गए। हाँ उर्मिला बहन, आपने और राशि ने चाहे
हमारे साथ जो कुछ भी किया हो, लेकिन राशि एक औरत है और इंसानियत के नाते हम आपको, आपकी बेटी राशि को सकुशल आपके घर में लाने के लिए आपकी सहायता करने आए हैं। अब तो सच में आपकी सहायता की जरूरत है। हम सब कुछ करके देख चुके, पुलिस वाले भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। जीतू भाई, चिंता मत कीजिए, हम सब आ गए हैं ना, कृष्ण भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मोटा भाई, ये अपहरण और फिरौती का मामला है, मुझे लगता है कि हमें पुलिस को सूचना देनी ही होगी। ये तो उन्हीं लोगों का फोन है, अपहरण करने वालों का। मैं देखता हूं। जिगर, फोन का स्पीकर मोड पे डाल दे। 10 लाख रुपया तैयार है। वो आप कौन? अबे नाम पता जानकर क्या करेगा, नए साल की मुबारकबाद भेजनी है क्या? आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, बस राशि को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे वाह, राशि नाम बोलने में बड़ी मिठास है। लगता है कि तू उसका पति बोल रहा है, क्यों? जिगर जी। अरे वाह जिगर जी, आग बराबर दोनों तरफ लगी हुई है। ले बात कर और उसको बोल पैसा लेकर आ, और पुलिस को बताने की शरारती बिल्कुल ना करे। बात कर। हेलो हेलो जिगर जी। राशि, राशि तुम ठीक हो ना? हाँ, अब वो आप मम्मी के घर आए। राशि, ए छोकरी, प्यार मोहब्बत की बात बात में करना। जैसा मैंने तुझे बोला है वैसे ही बोल, बात कर। हेलो जिगर जी, ये लोग कह रहे कि पुलिस को खबर मत करना और 10 लाख रुपए मांगे। राशि, वो सब हो जाएगा, लेकिन हमें इतने पैसे। लगता है तू अपनी पत्नी से मिलने के लिए मछली की तड़ा तड़प रहा है। जल्द से जल्द 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, समझा? आज रात। आज रात? हाँ हाँ, आज रात 3 बजे। पैसा लेकर सिर्फ औरत ही आएगी, कोई मर्द नहीं। और मैं दोबारा फोन करके बताऊंगा कहाँ आना है। और हाँ, चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना तुम तो अच्छी तरह से जानते हो। है देखिए हेलो हेलो, पैसा लेकर सिर्फ औरत ही जाएगी। भाई, आपने ये क्यों बोला कि पैसे लेके औरत को आना चाहिए? अरे औरत को इसलिए बुलाया है कि होशियारी ना कर सके, और अगर होशियारी करेगी तो औरत को तो हम चुटकी में देख लेंगे। लेकिन भाई, औरत भी तो इधर आके नाटक कर सकती है। तो उसकी फिक्र मत कर, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। इसका मतलब है कि पैसे लेके जो भी आएगा उसे ये लोग नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अब पैसे लेके आएगा कौन? 12:20 तो हो चुके और 3 बजे तक हमें उनके पास कैश लेके जाना है। मोटा भाई, हमारे पास समय कम है, हमें जल्द से जल्द तय करना होगा कि कैसे और क्या करना है। भाई, हमें वहां पैसे लेकर किसको भेजना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। पुलिस को मत फोन करना, अगर पुलिस को बताएंगे तो वो घुटने मेरी बच्ची को मार डालेंगे। लेकिन पुलिस को खबर करनी ही पड़ेगी। उर्मिला बेन,
मेरे ख्याल से अहम बिल्कुल ठीक कह रहा है, पुलिस को तो सूचना देनी ही होगी। आखिरकार ये अपहरण फिरौती का मामला है। वो तुम्हारा हाथ जोड़ू चु मेवाण जी, पुलिस में खबर नहीं करता। उर्मिला होश में आ, ये तू क्या कह रही है? जवाई जी, अगर पुलिस तक बात पहुंच गई तो बहुत बात बिगड़ जाएगी। मारी मिट्टी सामने लो जवाई जी, पुलिस को मत बताना। अहम, पुलिस को फोन मत करो, राशि की जान खतरे में पड़ सकती है। ठीक है काका, मैं पुलिस को फोन नहीं करूंगा। मामी, मामी आप रोइए मत, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अच्छा, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। पापा, इतनी रात को? तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ऑफिस के लॉकर से ले आता हूँ। लेकिन आप इतनी रात गए अकेले और इतनी बड़ी रकम लेकर कैसे? चिराग भाई, मैं आपके साथ चलता हूँ, आइए। हाँ, संभल कर जाइएगा। पैसे तो ये लोग लेकर आ ही जाएंगे, लेकिन जैसा कि अपहरणकर्ता ने कहा है कि पैसे लेकर सिर्फ स्त्री आएगी, तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि पैसे लेकर मैं जाऊंगी। नहीं मॉम।